लो जी संगतो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हजूर साहब हाँ जी, आप दर्शन करना आए हुए हैं तो पूरी जानकारी देवे। मैं कई वीडियो देखे ना, पूरी अपन जानकारी मिलती नहीं हैगी। सामने हजूर साहब है जी, हजूर साहब गुरद्वारा साहब सचखंड, तो ये सीधे ही इधर जाके अपने सरावां आउंदियां ने जी। तो लंगर साहब गुरद्वारा भी इधर ही है जी, वो थोनू गाह गाह वीडियो दिखावांगे। ये अपने सरावां की थोनू, चलो उत्थे नेड़े जाके थोनू बाद चो वीडियो दिखाने, पहला दर्शन कर आईए आप। तो सामने ही है बिल्कुल, ये अगे ना कई बार वीडियो देखी ने उन्होंने दे, मतलब प्रॉपर आउंदा नहीं हुंदा सी भी किहड़ी चीज़ कित्थे आ। तो कल्ली कल्ली सरावां की भी वीडियो बनाते होंगे सी, पर सरावां सारियां कट्ठियां ही ने, एक दो इधर उधर ने, बाकी सारियां कट्ठियां ही ने। लंगर साहब वाली तो धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी वाली, तो बाकी वो जाके मैं थोनू उत्थे दिखाउणा सारियां कट्ठियां तिन्ने। ओके जी, बने रहो वीडियो दे नाल। एक बार फिर दिखा दें जी, सरावां इधरले पासे ने, तो सचखंड श्री हजूर साहब गुरद्वारा साहब इधर। ये वीडियो जिथे तक मैं कोशिश करूँगा भी प्रॉपर समझ आए सारे, जिन्होंने पहली बार भी आना या जिन्होंने टाइम वादू आना, जिहड़े हरेक साल आते रहते हैं दर्शन करने, उन्होंने वास्ते तो कुछ दसन की लोड़ ही नहीं हैगी। लो जी उधरों आए आप, गुरद्वारा साहब दे, मतलब जे गुरद्वारा साहब तो मत्था टेक के आप बाहर नूं आने तां अपने खब्बे हाथ उधर नूं जाना पैना आपां नूं सरावां वास्ते। तो लंगर साहब गुरद्वारा उधरले पासे है जी, तो इधर की दूर पै जी, इधर की भी जा सकते हो मेरे ख्याल च, पता नहीं हैगा इधर की, मैं आया नहीं, शाम तक दस दूंगा इधरों भी मैं। तो कई दिन इत हूँ आप सेवा कर, बाकी सारे गुरद्वारा साहब के भी आप चंगी तरह दर्शन करावे जोड़े इतों दूर भी ने, नानक झीरा गुरद्वारा साहब हो गया, तो बाकी जोड़े लोकल गुरद्वारे साहब ने सारे दर्शन करावे आप आराम चंकी तरह। जोड़ा घर इधर है जी, तुम देख सकते हो गुरद्वारा साहब के। लो जी हुण आपां अंदर प्रवेश करते हैं। वाहेगुरु सच्चे पातशाह। लो जी गोप्रो कहिंदे इत्थे बंद आ जी, गोप्रो नाल आपां वीडियो बना नहीं सकते, कोई गल नहीं जी, आपां नूं कोई इतराज नहीं है इस चीज़ का, फोन नाल कर लैने आपां। बाकी तो मेन मकसद तो यही हुंदा बस, चलो घर बैठे दर्शन हो जाण, ते ब्लॉगिंग ब्लूगिंग वाले चक्करां च तां आपां है नहीं, वो तुसीं पिछलियां वीडियो च भी देखिया होना भी आपां ब्लॉगिंग तो नहीं करते हैगे। ठीक है जी, गाहां करो जी दर्शन, अंदर तो आपां लैके जाणा ही नहीं सीगा पहलां भी दरबार साहब च। क्योंकि आप किसी भी निजम का अपने गुरु घर च लंघना कर ही नहीं सकते, सेल्फियां सुल्फियां आप पिछे नहीं कदे किसी वीडियो खिंचियां, तो इतने भी खिंचनिया ने
ਇਹ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ बरसी नूं मुख रखदे आ ते छोटे पीर दा इंसाफ वास्ते अखंड पाठ साहब आरंभ कराया गा। जिन्ने भी इनू प्यार करदे हो तुसीं जानदे ही हो वैसे भी, पर जरूर गुरु घर जाके अरदास करवाया करो, की पता परमात्मा किहदी अरदास पूरी करवे। इंसाफ जरूरी है, थोनों भी पता है। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। इधर लंगर च चले जी हुण आपां लंगर छकदे आ चल गए। हुण अखंड पाठ साहिब आरंभ करावाता आपां। एक गल होर आ, दिनां च जे तुसीं आउंदे हो ते अखंड पाठ साहिब आरंभ करवा सकते हो मौके ते। बाकी जे आप आउंदे हो, जे ऑनलाइन कराउंदे हो फिर तुहानूं डेट लंबी मिलदी है। जे तुसीं फोन ते जां बाहरों एन आर आई वीर भैण अपने माता बजुर्ग जो भी ने वह करवाउंदे ने फिर लेट ऑनलाइन फिर डेट लंबी मिलदी है। जे तुसीं इत्थे आ सकते हो तो तुहानूं छेती आरंभ करवा सकते ने, छेती टाइम मिल जाता। नहीं तो ऑनलाइन तो मेरे ख्याल च इन्हां दे दसण दे मुताबिक आ भी 35 साल की वेटिंग भी हैगी है। हुण ये किवें आ की आ बारे मैनूं पता नहीं है, ना मैं पुछया उन्हां नूं भी ये क्यों किवें आ, क्योंकि आपां गुरुद्वारे साहब आए हाँ, इन्हां दा काम इन्हां नूं पता गा, आपां सवाल जवाब करन वाले कोई हुंदे नहीं हैगे। बाकी अंदर वीडियो बनाउणा नहीं बनाउणा जे आपां ही नहीं इह गल समझांगे होर कौन समझूगा ये चीज़। ठीक है जी, इत्थे ना एक चीज़ मैनू मतलब एक नहीं अनेक ही चीज़ां मतलब सिस्टम इन्हां दा बहुत ज़्यादा मेरे यार दिल दे मतलब छू गया यार ये चीज़ां। एक तो आ चीज़ देख एक बंदा भी या वो तो वो दो बंदे लंगर बहुत वधिया तरीके बरता सकते हैं, देख लो कितना वधिया सिस्टम है। तो एक तो यह नहीं है भी इधर नूं जाते हैं जी उधर नूं जाते हैं बाल्टियां आपस च टकरा ने जां मतलब पता ही है ये चीज़ों का थोनू। अब बहुत ज़्यादा वधिया शांति वाला काम है वो बाल्टियां जिहड़ा बरतांदे ने वो खीर आ, सिर्फ खीर एक लहदा रखी गई है ते बाकी दाल सब्जी चौल ते प्रशादा ये रेड़ी दे विच मतलब चार चीज़ा आ जांदियां ने। एक जना इहनू खिची जांदा बाकी बरताई जांदी है ते बहुत वधिया। जदों ज़्यादा इकट्ठ हुंदा फिर इधर भी सारा वरतों विच आ जांदा है, ये तुसीं देख सकदे हो। मैं बहुत सोहना सिस्टम आ ते अमृतसर साहब ऐ क्यों नहीं हो सकता। हालांकि मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, ना मेरे कोई मेरा परमात्मा जानता,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁੰਦਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਟਲ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਊਗੀ ਵੀ ਰੂਮ ਲੈਣ 'ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਆਹ ਸੀਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੁਹਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਨਾਵਟੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ